अभी तक आपका काम खत्म नहीं हुआ? इतना देर क्यों कर दिया तुमने? मैं खाना गरम कर रही हूँ, आप जल्दी से आ जाइए। आप थोड़ी देर रुकिए, मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ, ठीक है? ठीक है। हैप्पी एनिवर्सरी। माय एनिवर्सरी गिफ्ट स्टोर रूम में। रुचि, क्यों लाए थे मुझे? क्या कर रहे हो तुम दोनों मिलके? हैं, खोलो मुझे, खोलो। इतना जल्दी क्यों? ऐसे तो मैं तुझे इस दुनिया से रिहा करना चाहती हूँ। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने तो तुम लोगों का कोई दुख नहीं पहुंचाया, तो कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया तो मैंने? तूने मेरी जिंदगी को छीनने की कोशिश किया है, इससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है? अरे तो क्या बोल रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रुचि, इसके बातों में मत आओ, लो खत्म कर दो इसको। रुकिए, एक बार इसको सोचने के लिए मौका तो मिलना चाहिए ना। तू सब कुछ भूल सकता है लेकिन मैं नहीं, मेरे अंदर अभी भी वो आग जल रहा है। मतलब? याद कर कुशल। क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं, ऐसे ही। लेकिन ऐसे ऐसे क्या बात है जो घर पे बोल नहीं सकते और मुझे इधर बुला लिया? वो तो तुम भी जानते हो। मतलब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है या समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो तुम? देख, रुचि बहुत अच्छी लड़की है। अरे भाई, इसमें कौन सी नई बात है, वो तो मैं भी जानता हूँ।
और मैं ये भी जानता हूँ कि वो मुझे बेपनाह प्यार करती है और तुझे सबसे अच्छी दोस्त मानती है। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तेरा बेइंतहा मोहब्बत उसको मेरे से बहुत दूर खींच लिया। ये तो क्या बोल रहा है? मैं भी उसको बहुत चाहता हूँ, मैं भी उसको बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तेरी वजह से उसके दिल में मेरे लिए कोई भी जगह नहीं है, इसीलिए तुझे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। अरे तू क्या बोल रहा है, ऐसे मत कर मेरे भाई। तू मेरा भाई भाई कुछ भी नहीं है, तू मेरा दुश्मन है और दुश्मन को मेरे जिंदगी में कोई भी जगह नहीं दूंगा। आज से मैं उसको बहुत खुश करूंगा, बहुत प्यार करूंगा। तू हंसते खेलते चला जाओ मेरे भाई। तूने क्या सोचा था ये ऐसे दुनिया छोड़ के चले जाएंगे? पर जब तक मैं जिंदा हूँ मेरा प्यार भी जिंदा रहेगा, और देख आज भी वो तेरे सामने खड़ा है। रुचि तुझे कुछ गलती हो रही है, मैंने कुछ नहीं किया। गलती? गलती तो मुझसे हुई, तू जैसे बदतमीज इंसान को अपना दोस्त मानकर, और आज ये गलती मैं सुधारना चाहती हूँ। आप पुलिस में हो? कल पड़ोसी वाले बोल रहा था कि अभी कोई शोर शराबा हो रहा था, क्या आप कोई मुसीबत में तो नहीं है? नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कल एक चूहा दिखाई दिया था, शायद उसी वजह से चीखने की आवाज सुनाई दिया। आर यू श्योर? यस श्योर। ऐसे आपके घर में कौन कौन है? अभी कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। ओके चलता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताएगा, मैं पास में रहता हूँ। ये घर किसका है? वो तो स्टोर रूम है, पर उसका चाबी कहीं खो गया है। ताला तो हम ऐसे ही तोड़ लेंगे, लेकिन आप मदद करते हैं तो तोड़ना नहीं पड़ेगा। नहीं उस रूम में हमारा थोड़ा पुराना सामान है और इतने दिन से कुछ साफ भी नहीं हुआ है। ओ कोई बात नहीं, आप ताला खुलने का इंतजाम कीजिए। मैंने आपसे बोला तो चाबी कहीं खो गया है। कोई बात नहीं, मैं खुद ही तोड़ लेता हूं।
अब तो खतरनाक लड़की है, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। घबराने की कोई बात नहीं, घर तो बिल्कुल साफ है। तो फिर मैं चलता हूं। आपको देख के लगता है कि कल जरूर कुछ हुआ है, जरूरत पड़ेगा तो फिर आऊंगा। तो आपका कहना है इस खून के पीछे आपका हस्बैंड कहाँ थे? लेकिन जब से इस घर में आया आपका हस्बैंड का कोई फोटो कोई सामान नजर में नहीं आया, अभी वो कहाँ है? काम पे। और ये लड़की, इसे तो आप जानते हैं? हाँ, मेरी बहन द्रोही। आपकी बहन तो कह रही थी आपका हस्बैंड का 2 महीने पहले डेथ हो चुका है। नहीं, ये झूठ बोल रही है। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? रुचि, तुम समझने की कोशिश करो, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? ओह, मैं सब समझ गई। तुम भी कुशल के साथ मिले हुए हो ना? तुम दोनों मिलके मुझे फंसाना चाहते हो ना? मैं सब समझ गई। मैं ठीक बोल रही हूँ ना? बोल, मैं ठीक बोल रही हूँ ना? रुकिए, अभी आप और कितना झूठ बोलेंगे? एक तो आपने खून किया है और मरा हुआ पति के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। मुझे तो लगता है आप झूठ बोल के इस खून से रिहा होना चाहते और नहीं तो आप ड्रामा करके पागल बनना चाहते। लेकिन सच तो आपको बोलना ही पड़ेगा। आप ये खून क्यों किया? हाँ, क्यों किया ये खून? चुप मत रहिए, इस खून के पीछे आपका मकसद क्या है? रुकिए, मैं यकीन दिला सकती हूँ, मेरे पति अभी भी जिंदा है। अभी आप किसको फोन कर रही है? मेरे पति को। क्या हुआ? फोन नहीं लग रहा है।
अब फोन नंबर दीजिए, मैं कोशिश करता हूं। अब तो मेरे को मालूम हो चुका है, सब मालूम हो चुका है कि आप चालाकी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जितना भी कोशिश कीजिए कानून के हाथ से बच नहीं सकेंगे। कुशल को हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम पुलिस के पास जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, उसके साथ पुलिस भी मिला हुआ है। मतलब कुछ ज्यादा ही दे रहा हूं। अब कुछ देर बाद ये तरफ तरफ के मर जाएगा, उसके बाद आप देख लेना, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं चाहिए। रुचि, ये सब कैसे हुआ रुचि? वो ऑफिसर बीरेन थापा ने गोली चलाया, हमारा मकसद पूरा हुआ पुष्कर, हम जीत गए। बहुत तकलीफ हो रहा है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा रुचि।
तुम्हें जीना पड़ेगा, तुम्हें कुछ पल के लिए जीना होगा। हम दोनों के लिए जीना होगा। असली सच तो तुम्हें जानना पड़ेगा रुचि। ये तुम क्या बोल रही हो? पुष्कर, इतना दर्द हो रहा है ना, मैं क्या करूं? इस दर्द का इलाज तो हमारे प्लान में नहीं था। तुमने मेरे खिलाफ प्लान किया है। और क्या, हम दोनों एक दूसरे से इतना मोहब्बत करते हैं ना, इसलिए ये प्लान करना पड़ा। मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और रुचिका भी। रुचिका और मैं जो तुमको इतने दिन से प्यार करती हूँ, वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं। नहीं ध्रुवी, अगर रुचिका को मालूम हो जाएगा तो क्या कर लेगी वो? हमको मार डालेगी। अगर मर भी जाऊंगी तो भी तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगी। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। भरोसा करते हो ना मुझे? जरूर कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा। इसमें कौन सी नई बात, वो तो मैं भी जानता हूं कि वो मुझे बेपनाह प्यार करती है। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो सिर्फ तुझे प्यार करता है लेकिन तू नहीं। तू साला इतना बड़ा कमीना, तुझे दोस्त बोलने से भी मुझे शर्म लगता है। तू जो भी कर रहा है ना, बहुत बुरा कर रहा है भाई। तू समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? मैं सब जानता हूं, तेरा वो द्रोही के साथ मिलता जुलता है ना, कोई चक्कर है ना? इसमें क्या गलत बात है? किसी के साथ मिलना, किसी के साथ बातें करना, क्या गुनाह है? बात से इतना होता तो सब ठीक था। लेकिन तू इन सब से भी ज्यादा कुछ कर रहा है। अभी भी टाइम है दोस्त, तू सुधर जा, नहीं तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, उसको जाने क्यों दिया? हम उसे कुछ नहीं करेंगे, जो करना है उसकी प्यारी सी दोस्त रुचि करेगी, और हमें तो सिर्फ उसे मंजिल तक लेके जाना है। लेकिन कैसे? अभी तो प्लान चालू होगा। डरो मत, मेरी परवाह मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन प्लान खराब होना नहीं चाहिए। यही तो मेरा प्लान था। ईमानदार कुशल को गुनहगार बना के तुम्हारे हाथों से उसे सजा दिया, मैं खुद को जख्म करके
तुम्हें प्यार करने का नाटक किया, ये सब मैंने सिर्फ हमारे प्यार के लिए किया, हम दोनों के लिए किया। और ये ऑफिसर? वो तो ऐसे ही एक कहानी था जो मैंने तुम्हें सुनाया और तुम भी मान लिया। तुम इतना घिनौना आदमी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती। क्या करूं बोलो, ये प्यार भी ना बहुत अजीब चीज है, कब किसी को क्या होगा वो खुद को भी मालूम नहीं पड़ता, इसीलिए अब हमको और दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अभी तुमको इस दुनिया को छोड़ के, मतलब हम लोगों को छोड़ के जाना पड़ेगा।